بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين पाकिस्तान में जहां हम आए रोज मीडिया पर कोई ना कोई बुरी खबर देखते हैं वहीं पाकिस्तान के लिए तारीखी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान ने नाइजीरिया के साथ जे एफ सेवनटीन थंडर की डील साइन कर ली है और पाकिस्तान एयरटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने नाइजेरियन एयरफोर्स की सतावनवी सालगिरह के मौके पर इनकी फ़जाइया को एक पुरवकार तकरीब के दौरान तीन जे एफ सेवनटीन थंडर त्यारे तौर पर हवाले कर दिए इसी तरह वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकस्तान के सदर इमाम अली रहमान की पाकिस्तान आमद के मौके पर दोनों ममालिक में जहाँ तालीम तजारत सरमायाकारी और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर इतफाक हुआ वहीं वफा और सिक्योरिटी में ताउन पर भी यादाश्तों पर दस्तखत किए गए नाज़िन ये तारीखी खुशखबरियां हैं जिनसे जाहिर होता है कि पाकिस्तान दिफाई सनत में आगे बढ़ रहा है अब ये मुल्क असलाह खरीदने वालों में से तो है ही लेकिन अब बेचने वालों की सफ में खड़ा है और अपने इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इन दफाई डील्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे की पाकिस्तान कैसे अब मैदान में आगे बढ़कर दुनिया के मतदद ममालिक को अपनी मुठ्ठी में करने लगा है नाजिन पाकिस्तान और ताजिकस्तान के दरमियान तय पाए जाने वाले एक ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान वस्ती एशिया रियासत को असलाह भी फरोख्त करने का इरादा रखता है अगरचे पाकिस्तान दुनिया के उन दस सरे फहरिस्त में शामिल है जो असले के बड़े खरीदार हैं पाकिस्तान अपनी जरूरत का दिफाई सामान चीन के अलावा रूस और इटली से हासिल करता है तहम गुजा चंद बरसों में पाकिस्तान की अपनी असला साजी की सनत भी तेजी से तरक्की कर चुकी है इस सनत के तहत मुल्क के पाँच बड़े इदारे न सिर्फ अपनी जरूरत का सामान पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं बल्कि वो अब बाज़ मसनुआत बरामद भी कर रहे हैं इन इदारों में वाह कैंट की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कामरा में कायम पाकिस्तान एयरमेटिकल कम्प्लेक्स हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन और कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क के इदारे शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा असला तैयार हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी इसे कैसे एक्सपोर्ट कर रही है असला तैयार करने के हवाले ऐसी हम आपको बताते चले की पाकिस्तान ऑर्डिनेस फैक्ट्री में छोटे और दरम्याने हथियारों एमिनेशन जिसमें छोटे हथियारों ऐसी लेकर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट अमिनेशन टैंक और एंटी टैंक मार्टर गोले और दीगर हथियार शामिल हैं तैयार किए जाते हैं इसी तरह हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला में मुख्तलिफ टैंक्स ऑर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दीगर दिफाई मसनुआत तैयार की जाती हैं पाकिस्तान के तैयार करदा खालिद टैंक अल जर्रार टैंक ए पी सी तलहा टीवी सीज और अल अलहदीज टैंक अहम और मारूफ मसनुआत में शामिल हैं अगर पाकिस्तान के एयरटिकल कम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ जे एफ सेवेंटी थंडर तैयारों ड्रोन तैयारों समेत हल्के सुपर मुश्ताक तैयारे तैयार किए जाते हैं जबकि इसके अलावा तैयारों के ओवरहॉलिंग हॉलिंग मुरम्मत और सम्बलिंग के साथ साथ एविएशन हार्डवेयर का काम भी किया जाता है इसी तरह एन की अगर बात की जाए तो वहाँ भी जदीद मिलिट्री आलात जिनमें रेडियोज डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम फील्ड फोन जैमर्स डिजिटल फॉन्सिक मुख्तलिफ रोबोट सर्विलियंस व्हीकल सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम रिडोर्स और दीगर आलात तैयार किए जा रहे हैं जबकि कराची शिप यार्ड में बहरी जहाज़ों बहरी जंगी जहाजों और सब मेरी के साथ साथ छोटे बड़े ऑयल टैंकर्स बड़ी क्रेन्स एल स्टोरेज टैंक्स की तैयारी और इनकी मुरम्मत का काम किया जाता है अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ये असला कैसे और किसे सपोर्ट कर रहा है नाजरन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दिफाई पैदावार में काफी तरक्की कर चुका है पाकिस्तान के क्याम के वक्त हिंदुस्तान में 16 फैक्ट्रियां थी जो सभी मुल्क के मशरकी या शुमाली इलाकों में थी इनमें कोई एक भी यहाँ कायम नहीं थी सभी भारत ही के पास गईं। आज पाकिस्तान टैंक एम्यूनेशन हत्या के जहाज बनाने की भी सलाहियत रखता है न सिर्फ अपनी दिफाई जरूरत को पूरा किया जा रहा है बल्कि ना आलात और मसनुआत को बरामद भी किया जा रहा है रमाबर्स पाकिस्तान ने तकरीबन 10 करोड़ डॉलर्स की दफाई मसनुआत बरामद की है अब से एक दहाई कबल तक यह बरामदा तीन ऐसी चार करोड़ डॉलर की होती थी बेहतरीन सूरत हाल का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको बताते चले की पाकिस्तान की पैदावार जनूबी एशिया के जिनमें श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है के अलावा मश्रिक वस्ता और बाज यूरोप के ममालिक को भी बरामद की जाती है जर्मन कंपनी ने पाकिस्तान को जी थ्री असले की टेक्नोलॉजी दी थी फिर पाकिस्तान ने इसे खुद भी तैयार किया जब इस कंपनी को अपनी पैदावार से इजाफी पैदावार दरकार होती थी तो वो पाकिस्तान ही से मंगवाते रहे हैं इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मसनुआत म्यारी होने के साथ निस्बतन सस्ती होती हैं। इन वजुहत के बायस ये बात वसूख से कही जा सकती है कि पाकिस्तान अब दिफाई मसनुआत को बड़े पैमाने पर बरामद करने के काबिल हो गया है और ताजिकस्तान की दिफाई और सिक्योरिटी जरूरिया को पूरा किया जा सकता है अब तो सूरत हाल ये है की पाकिस्तान को हाई वैल्यू आलात जैसा की जे एफ थंडर जंगी जहाज के भी ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं जैसा की हमने आपको बताया हाल ही में पाकिस्तान ने तीन ऐसे प्यारे नाइजेरिया के हवाले भी किए हैं इस डील की तकरीब में नाइजेरिया के दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मगाशी ने नाइजेरियन सदर की जानब ऐसी नुमाइंदगी करते हुए बतौरे मेहमान तकरीब में शिरकत की जबकि पाक फजाया के, के नायब सरबरा एयर मार्शल सैयद नुमान अली को तकरीबिरत के लिए खसूसी तौर पर मदू किया गया इस तारीखी मौके आरोप तकीब ऐसी खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा की हम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेज का मुकाबला करने के लिए नाइजेरियन फजाइया की सलाहियतों को बढ़ाने दो तरफा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक ममनून है याद रखें ये सिर्फ एक डील है कई ममालिक बारे में, में बताए जाते हैं क्योंकि जे एफ सेवनटीन थंडर जैसा प्यारा रखने के लिए बहुत से ताकतवर ममालिक तरसते हैं याद रखें बेहतरीन खसूसियात और जदीद आलात से आरास्ता जे एफ सेवनटीन थंडर त्यारे पाकिस्तान और चीन के इश्राक ऐसी तैयार किए गए हैं चीन के टेक्नीशियन की मदद ऐसी पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जे एफ सेवनटीन थंडर कम वजन मल्टी रोल त्यारे हैं जो आवाज़ की रफ्तार से दो गुना ज्यादा रफ्तार से पचपन हजार फिट की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखते हैं और ये त्यारा रफाल का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला कर सकता है जो कि इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं इस त्यारे की तैयारी अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तियाब है जिसका मतलब ये है की पाकिस्तान इस त्यारे की तैयारी के मरल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है दफाई अमूर के माहन के मुताबिक जे एफ सेवनटीन थंडर त्यारा एफ सिक्सटीन फैल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हम जहद त्यारा है जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिजाइल से लेस है जे एफ सेवनटीन थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है ये प्यारा फिजा से जमीन, फिजा ऐसी फिजा और फिजा ऐसी सतह आब पर हमला करने वाले मेजाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है नाजन माहरीन के मुताबिक पाकिस्तानी तैयार करदा मुश्ताक प्यारे जो तरबियत के साथ नकलोहमल एयर सर्विलियंस और दीगर दिफाई मकासद के लिए बेहतरीन तस्वूर किए जाते हैं फरोख्त भी किए जाते हैं जबकि इनकी तलब अब भी मौजूद है नाजिन पाकिस्तान की दिफाई सनत दुनिया में तरक्की पा रही है और लोग पाकिस्तान के असलाह को बहुत सराहते हैं इस वक्त पाकिस्तान मुनासिब मकदार में असलाह बरामद कर रहा है मुस्लिम अफवाज के लिए हथियारों की मुकामी तैयारी से अब न सिर्फ अमरीका पर पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है बल्कि पाकिस्तान का असलाह के हवाले ऐसी मोहताज नहीं रहा पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की वजारत का पाकिस्तान के किसी भी मुल्क आरोप इ के खात्मे में अहम किरदार है अब पाकिस्तान दिफाई मैदान में एक शेर की तरह धार रहा है और इसकी धाड़ ऐसी दुश्मनों के दिल सहमे हुए जाते हैं जबकि मुस्तबिल में पाकिस्तान की इसल की सनत जबरदस्त किस्म का अरूज दे सकती है नाजरीन आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान असले के हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें चैनल को सब्सक्राइब करना हर मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन डॉट कॉम पर जाए या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर ऐसी सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें